गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के असेसमेंट 1 चैप्टर्स 1 to 5 आज ये हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 37। देखो, हम 1 में से चैप्टर 5 तक हम पढ़ चुके हैं। एवरी चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है और ये सारे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ये सारे ब्लैंक्स को हम फिल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूज द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, ये हेल्प बॉक्स के सहारे हम ये सारे ब्लैंक्स पूरा करेंगे। नंबर 1, डैक्स थिंग्स ग्रो। कौन सी थिंग्स बढ़ सकता है, कौन सी जिनिस बढ़ सकता है या कौन सी चीज बढ़ता है। लिविंग थिंग्स ग्रो हम पहले पढ़ चुके हैं, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो और नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। तो यहाँ पर होगा लिविंग थिंग्स ग्रो, तो यहाँ पर लिविंग लिखना। नंबर 2, लिविंग थिंग्स नीड डैक्स टू ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जिसके अंदर जान होता है या जो जीवित होता है, वो ब्रीथ करने के लिए उसको क्या चाहिए, एयर चाहिए। तो लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, यहाँ पर एयर होगा, AIR, एयर। नंबर 3, डैक्स इज अ मैनमेड थिंग। कौन सी चीज एक मैनमेड थिंग्स है। देखो, यहाँ पर हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है कौन सी चीज एक मैनमेड थिंग्स है। टेबल दिया हुआ है, टेबल को इंसान बनाता है, तो यहाँ पर टेबल लिखना, TABL, टेबल इज ए मैनमेड थिंग। नंबर 4, डैक्स हैव ए सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। किसके एक सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होता है। स्टेम मतलब जो तन होता है, पेड़ के जो तन होता है उसको हम स्टेम कहते हैं। किसके सॉफ्ट एंड ग्रीन होता है। नंबर 4, हर्ब्स के, तो यहाँ पर हर्ब्स होगा, हर्ब्स हैव ए सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। डैक्स नीड ए सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। कौन से पेड़ वो स्ट्रेट खड़े होने के लिए उसको एक सपोर्ट चाहिए, वो बिना सपोर्ट के वो खड़े नहीं हो सकता है। तो किसको सपोर्ट चाहिए, क्लाइंबर्स को, तो यहाँ पर हम क्लाइंबर्स लिखेंगे, CLIMBERS, क्लाइंबर्स नीड ए सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। नंबर 6, वी डैक्स फूड टू मेक इट टेस्टी। वी कुक फूड टू मेक इट टेस्टी। हम जो खाना कुकिंग करते हैं तो तब ये टेस्टी बन जाता है, तो वी कुक फूड टू मेक इट टेस्टी। नंबर 7, वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम डैक्स। हम स्पाइसेस कहाँ से मिलता है, स्पाइसेस मतलब जो चिली होता है, कोरिएंडर सीड्स होता है, ये सारे हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लांट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर क्लू बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लांट्स लिखना, प्लांट्स लिखना, वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स। नंबर 8, डैक्स इज ए डोमेस्टिक एनिमल्स। कौन एक डोमेस्टिक एनिमल्स है, डॉग। डॉग एक डोमेस्टिक एनिमल, क्योंकि डॉग को घर में पालते हैं, तो डॉग इज ए डोमेस्टिक एनिमल। ए लायन लिव्स इन अ डेन। लायन कहाँ पर रहता है, उसके घर को क्या कहते हैं, डेन कहते हैं, तो यहाँ पर डेन लिखना, DEN, डेन। नंबर 10, बर्ड्स लिव इन डैक्स। बर्ड्स कहाँ पर रहता है, नेस्ट में रहता है, तो यहाँ पर NEST, नेस्ट लिखना। नंबर 11, लायन इज ए डैक्स एनिमल। लायन एक कैसा एनिमल है, वो एक जंगली जानवर है, तो यहाँ पर वाइल्ड लिखना, WILD, लायन इज ए वाइल्ड एनिमल। नंबर 12, सीरियल्स एंड पल्सेस आर कॉल्ड डैक्स। ये सारे के क्या है, ये जो अनाज और ये जो पल्सेस है, जो दाल होता है, उसको क्या कहते हैं, फूड ग्रेन्स कहते हैं, तो यहाँ पर फूड ग्रेन्स लिखना, क्लू बॉक्स में या हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पर फूड ग्रेन्स लिखना। वैसे ही आप ये जो SS में 1 दिया हुआ है, इसको अपने अपने बुक में फिलअप करना।